आप जी बताइए। मेरा सवाल मिस्टर साहब से है, पर्सनल। मिस्टर साहब, आप 96 से आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं, शायद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री छोड़कर या शायद ही कोई इलेक्शन हो जो आपने नहीं लड़ा हो। जी विधायक जी, सोनू। ओह नो। सांसद कौन है? सांसद कौन है? सांसद तो वो है। हाई स्कूल होना चाहिए, जब शिक्षित नहीं होगा उसे जेने वाले के सदस्य क्या होता है और वीडियो क्या होता है, क्या क्षेत्र पंचायत क्या होता है, कैसे हमको कोई योजना लानी है तो क्या ला सकते हैं आप बताइए। और जो है यहाँ के माहौल जो खराब हो रहे हैं, जो भी आजकल मतलब युवा वर्ग तय के आए कि हमें प्रधानी लड़नी है, तो जो सब जनता ही सेवा में आए गए, जाते पहले इनने कहू जनता की कोई सेवा करिए, जितने प्रत्याशी खड़े हैं भी हमें बताया था कि हमने जी सेवा करी है। सवाल है, आपकी राज्य सरकार में जान पहचान है, आप गांव के खारे पानी की समस्या दूर करा पाओगे, इसको लेकर हम पहुंचते हैं यहां के युवा प्रधान के पास, क्या कहना चाह रहे हो आप? देखो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सत्ता चल रही है, लेकिन गांव का एक पद है ना, बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, वो अपनी बुद्धि क्षमता पर निर्भर करता है, वो अधिकारियों से MLA MP से अपनी बुद्धिमत्ता से गांव के लिए खारे पानी की आवाज़ उठाएगा, अगर उसमें क्षमता है तो वो खारा पानी क्या गांव की तस्वीर चेंज कर देगा, ये मेरा मानना विश्वास है अपना। युवा प्रत्याशी हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो दिल्ली से आए हुए लोग हैं, मैं उनसे भी जानकारी कर लेता हूँ, यहाँ के अभी वर्तमान में विधायक कौन है? जी विधायक वो है सोनू। सांसद कौन है? सांसद कौन है? सांसद तो वो है, क्या नाम है उनका? हाँ, ये आप सवाल के जवाब देख रहे हो, जो व्यक्ति अगर विधायक सांसद अपने क्षेत्र के नहीं बता पाएंगे तो वो जनता का विकास कैसे कर सकते हैं, जनता कैसे उम्मीद कर सकती है, लाख साल कुछ भी सवाल पूछे जाएं उनका जवाब विपरीत मिले, जनता वो चाहती है कि विकास हो क्षेत्र का, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुने जिससे कि विकास वास्तविकता में विकास हो। और आपके पास क्या एजेंडा है, यहाँ पानी खारे पानी की समस्या आपके अब जनता साथ चलेगी तो खारा पानी हो जाएगा, और हमारे यहाँ जी का राम प्रताप जी विधायक जी हैं, MP सिंह वगैरह जी सांसद जी हैं। आप कैसे जनता की पानी की समस्या दूर कराओगे? सर, पानी के लिए जाना पड़ेगा, पूरी कोशिश करनी पड़ेगी लाने के लिए, सब लोगों को मिलकर जाना पड़ेगा, एक जना नहीं लेके आ सकता सर पानी, पानी सब लोगों की व्यवस्था है, सब लोग लेके आएंगे जब ही हो पाएगा पानी। जनता से भी सवाल पूछूंगा क्योंकि सवाल लाजमी है, क्योंकि जनता यहाँ के जो 5 साल है शासन होगा उस पर जनता के सवाल होना बहुत ज़रूरी है। आप जी बताइए, क्या है आपका? मेरा सवाल मिस्टर साहब से है, पर्सनल। मिस्टर साहब, आप 96 से आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं, शायद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री छोड़कर या शायद ही कोई इलेक्शन हो जो आपने नहीं लड़ा हो, और हर बार ऐसा होता है कि आपके मोहल्ले से आपके समाज से कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं निकलता, तो ऐसा क्यों कि बीच में आके फिर आप बैठ जाते हैं, फिर आप खड़े होते हैं, तो ये थोड़ा ये कन्फ्यूजन वाला क्यों चीज़ है, ऐसा जो है उसको थोड़ा क्लियर कीजिए। आप पर सीधा सवाल है, जिस तरीके से आप एक प्रत्याशी के रूप में उभर कर आ रहे हो, आप बार बार गैप लेते हो नेतागिरी के बीच में, उसमें आपकी क्या मजबूरी है, क्यों आप स्टॉप हो जाते हैं, क्यों खड़े हो जाते हो? सीधा सवाल जनता का सवाल है कि मैं प्रधानपति के लिए खड़ा हुआ, जिला पंचायत के लिए खड़ा हुआ, क्षेत्र पंचायत के लिए हुआ, एक बार मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ यहाँ से और ब्लॉक का उपप्रमुख हुआ, मैंने समाई गांव का रोशन नाम किया है कि पूर्व ब्लॉक का उपप्रमुख कहाँ के समाई के, और मैंने जनता की सेवा भी की है, भूमिया पर हैंडपम्प भी लगाया है मैंने, और मैं प्रधान के पद के लिए प्रयासरत हूँ, क्या जरूरी थोड़ा कि समाज पूरी मेरे ही साथ हो, कोई जरूरी थोड़ा समाज मेरे साथ हो, अरे जनता तो पूरी 4 गाँव की है, ऐसा है तो उसमें तो मतदाता वोट के लिए मांग सकता, वोट भी मांग सकता है और प्रधान के लिए आवेदन कर सकता है, प्रत्याशी खड़ा भी हो सकता है और सवाल भी ले सकता है। हाँ, और कोई है जो जनता सवाल पूछना चाहती हो आपसे? प्लीज, मैं और भी है, एक मिनट मारो, चलो आप बोल दीजिएगा क्या कहना चाहेंगे। हेलो, मैं प्रधान पद के सभी उम्मीदवारों को नमस्कार करता हूँ। हाँ, प्रथम मेरा ये प्रश्न है कि प्रत्याशी कम से कम इंटर हाई स्कूल होना चाहिए, जब शिक्षित नहीं होगा उसे जेने वाले में के सदस्य क्या होता है
और वीडियो क्या होता है, क्या क्षेत्र पंचायत क्या होता है, कैसे हमको कोई योजना लानी है, तो क्या ला सकते हैं आप बताइए धर्मपाल आप। नहीं, सीधा सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि आप आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आप कैसे ला सकते हो। मुझ पर पता आएगा तो मैं तो वैसी लेके आऊँगा, पता आएगा तो वैसी लेके आऊँगा, काम भी करूँगा। जैसे अब सफाई विमान चल रहा है, नहीं चल रहा है अभी कभी सफाई विमान आपने देखा था, इतनी परेशानी हो गई। देखिए स्वार्थ, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, स्वार्थ आपको इसीलिए सफाई करा रहे। आपकी शिक्षा कितनी है? नहीं नहीं रोके, मेरे पिताजी। आपकी एजुकेशन कितनी है? बीस है। विकास कर सकते हैं काम का, क्योंकि आपको पहचान किसी चीज में से ऐसी पहचान नहीं। लोगों के साथ जाता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ लोगों के साथ काम करता हूँ। विकास करोगे आप? विकास क्यों नहीं, अभी विकास नहीं चल रहा है। जनता का सीधा सवाल है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप कैसे विकास? सर नाइन्थ क्लास तक है मेरी एजुकेशन। पाँच साल तक प्रधानी करी, हमारी गली में एक भी नंबर नहीं आया, कोई कार्य नहीं हुआ। पता आप क्या प्रधान पद के योग नहीं आप जी, कैसे कहेंगे आप? आपके पिताजी ने पाँच साल राज किया, विकास नहीं किया। आप उसी समय कंप्लेंट करते हो उन्होंने, आपने उन्होंने कंप्लेंट करी आपने? और देवकी नंदन हो रहे साथ में आपके भी। हाँ हाँ, तो जो कंप्लेंट आएगी तो वही जब ही तो काम हो पाता, आपकी कोई कंप्लेंट ही नहीं थी। देखो एक कार तो ऐसा होता है, साल भर पाँच, हर एक पाँच साल में पाँच बार हो जाता है, और ये 25 साल में एक बार भी नहीं हो रहा है ये काम। 25 साल में कोई कार्य नहीं हो रहा है उस गली में, और एक बार, हाँ पाँच बार, मतलब एक ही बार में हो गया, पांच हर प्रधान के बाद में हो रहा है ऐसा। विकास आपके पिताजी के जमाने में नहीं हुआ, कोई नल लगाया आपने? हमारे पिताजी के जमाने में वो नहीं हो पाया। आप शिक्षित हैं, आपने कोई कंप्लेंट करी? मैं हाई स्कूल हूँ, हाई स्कूल कर रखी है मैंने। मेरे गांव वालों ने ये कहा था ऐसी सीट है तो आपका कहते हैं खड़े हो जाओ। अभी तक मेरे गांव से अभी तक कोई व्यक्ति नहीं आया, तो इस वजह से उन लोगों ने मुझे कहा कहते हैं खड़ा कर दिया है। मैं इतना कार्य, यानी लोगों ने खड़ा कर दिया है, आपने हाई स्कूल कर लिया है, लेकिन आपकी आवाज़ में तो दम नहीं है, कैसे राज करोगे? आवाज़ में पावर होगी तभी राज कर पाओगे। देखो पहली बार जनता के समर्थन में, जनता ने मुझे बुलाया है और मैं जनता के साथ हमेशा रहूंगा। लेकिन जनता यहाँ एजुकेशन लेवल जानना चाहती है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के हिसाब से विकास? नहीं, मैं आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर ऐसा प्रधान होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। पहला नंबर शिक्षा का होता है, जो शिक्षित होगा तो उसकी जानकारी सभी से होगी, और कोई विकास नहीं होगा। शिक्षित आदमी हूँ, ऐसा बात है आदमी हूँ, और ये और मैं जनता के साथ करने के लिए तैयार। लेकिन इनसे पहले मैं एक सवाल और है मेरा, आप सब लोग गांव में देखते होंगे पोस्टर लग जाते हैं, आपने कहा वो लिखा होगा प्रत्याशी, भावी उम्मीदवार, आपका बेटा, आपका शिक्षित युवा, तमाम सारे स्टिकर्स लगे होंगे, लेकिन जब बारी एक विकास की आती है तो दावे खोखले साबित होते हैं। अब जब जनता सीधे सवाल पूछ रही है तो जवाब देना इनका लाजमी है। आप प्रधान पद के उम्मीदवार हो, आपका जवाब होना चाहिए, जवाब नहीं है तो आपके पास सवाल नहीं है जी। आप क्या कहना चाहोगे? मेरी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, और मैं मतलब मैं पूर्व ब्लॉक ऑफिसर में रह चुका हूँ, मुझे ए टू से जेड तक सब कहानी जानता हूँ। ए टू जेड तक इन्हें सब कुछ पता है, और ये सब कुछ जी मैं मैथ से इंटरमीडिएट हूँ, मैथ से इंटरमीडिएट हूँ मैं, और इससे पहले पूर्व में मैं सोसाइटी में डायरेक्टर रहा हूँ, इससे पहले मैं क्षेत्र का विकास कैसे करोगे? जो सदस्य रहा हूँ, और आपका एजुकेशन के लेवल के बारे में जनता के सवाल है। पहले मैं जनता से निवेदन करूँगा सब लोग शांत हो जाएं, थोड़ा सा सुने, सबको सुने, जे जितने लोग खड़े हैं जो आपके बीच में आएंगे इनको सुन लें यहीं पे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है। मैं बीएससी एमए हूँ, बीएससी मैंने करी बायोलॉजी से, फिर मैंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस से, और शिक्षा का स्तर मेरा यही है। ठीक है, शिक्षा एक कहीं ना कहीं सही सूटेबल हो रही है। आपका क्या सवाल है सर? आपका क्या सवाल है? भाई मेरा तो अभी कोई सवाल नहीं है जी। मैं तो बस यही चाहूँगा कि हमारे गांव का प्रधान हो, गांव का विकास करे,
और जो है यहाँ के माहौल जो ख़राब हो रहे हैं, जो भी आजकल मतलब युवा वर्ग जो है, युवा सही रास्ते पे चले, तो मैं तो यही चाहूँगा कि प्रधान जो है ऐसा हो जो गांव के विकास के काम करे, और जो है मतलब जो जो यानी प्रधान हो, गांव का विकास करे, गांव के साथ हो, गांव के सुख दुख में साथ हो। और भी लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हो आप? हम ये कहना चाह रहे हैं वाल्मीकि समाज से, हम कभी भी जनरल हो सीट तब भी नहीं वाल्मीकि समाज का कोई भी आता है, और जाटव समाज एक ऐसी है कि हम एससी आएगी तब भी खड़े होते हैं, जनरल आएगी तब भी खड़े होते हैं, तो हम क्षमा चाहते हैं आपसे, ऐसा काम करें आप कि जो वाल्मीकि उचित है वही रखा जाए। यानी इनका सवाल है कि जब एससी की आती है तब भी खड़े होते हैं, जनरल की आती है तब भी खड़े होते हैं, और कोई सवाल जो पूछना चाहते हैं? एक मिनट सर, जो मेरे प्रत्याशी हैं धन कुमार, पंकज कुमार, उन्हें बुलाइए ना। एक मिनट, जो उनका व्यवसाय जो चल रहा है अभी गांव में, वो इसे प्रधान जीतने के बाद बंद कर देंगे या सुचारू रूप से चालू रखेंगे? कौन सा वो चीज चल रही है? अरे मेरे गांव में तमाम व्यवसाय ऐसे हैं, जुआ सट्टा शराब, ये पब्लिक नहीं चाहती है कि चलते रहे, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है उसे फर्क पड़ता है। अब इनसे ही पूछ लिया, इस काम को चाहते हैं आप, बंद कराना चाहते हैं? यानी इनका सवाल है कि एक प्रधान पद के लिए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इस गलत काम में लिप्त रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये तो सब जनता जानती है, लेकिन और भी सवाल होंगे। मैं मंगलपुर से आए हुए पंडित जी से सवाल पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से प्रधानी और जब आती है तब लोग आपके घरों के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बात आपकी फंसती है तो वो आपसे लाखों करोड़ों दूर के हिसाब से चलते हैं, आप किस तरीके से चुनोगे इसमें? हम तो जी देख रहे हैं साहब, इन्हें प्रधान पदन में जब ये प्रधान के लिए नियुक्त है कि आए कि हमें प्रधानी लड़नी है, तो आज ये सब जनता की सेवा में आए गए। जाते पहले इनने कहू जनता की कोई सेवा करिए, जितने प्रत्याशी खड़े हैं भी हमें बता दें कि हमने जी सेवा करी है साहब जनता की। ये तो एक पद स्वार्थ को है, तो ये अभी तैयारी में। इससे पहले आपके गांव में विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ साहब, कोई कछु नहीं। प्रधान ही को वो आएगा तो एक धन्ना प्रधान हतु बेचारो प्रत्याशी को तो झरवाई दे तो अब रोज नहीं, अब तक तो हमारी गली साफ नहीं हुई, बहन जो काम नहीं। करोड़ों रुपए आपके गांव का सफाई के लिए आया, वो कहाँ गया? देख लो गली गंदी है, आप तो शायद हमने कई बार कही होगी कि हमारी गली देख लो जाके कितनी गंदी पड़ी हुई है, लेकिन काऊ प्रधान ने आज तक नहीं सोची। अब इन प्रधान से हम जी पूछ रहे हैं कि सफाई अभियान चल तो रहेगा क्या, सब वैसे पुराने प्रधान की तरह? यानी सीधा सवाल धन्ना से है या अन्य लोगों से भी है, गांव का विकास होगा, गांव में सफाई व्यवस्था होगी या नहीं होगी, आप क्या कहोगे गांव के लिए? मैं कहूँगा पंडित जी से, पंडित जी चरण स्पर्श, पंडित जी गांव में ट्रांसफार्मर फूका, आपके मुझ पर कोई पद नहीं था, गांव में मंगलपुर में ट्रांसफार्मर फूका आज से कुछ समय पहले, छोटे छोटे कार्य होते रहते हैं, मैं अपनी बुद्धि